हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग पता है कि पिछले महीने वीवो की तरफ से दो स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे, जिसका नाम था वीवो V23 5G स्मार्टफोन और उसी का एक प्रो वेरिएंट जिसका नाम था वीवो V23 प्रो 5G स्मार्टफोन। और इसी सीरीज में आपको एक और स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है जिसका नाम होगा वीवो V23e 5G स्मार्टफोन। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं इसकी लीक प्राइस, कन्फर्म स्पेसिफिकेशन और इंडिया में कब तक लॉन्च होगा। तो पूरी तरह से अपडेटेड रहने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें इसके लुक एंड डिजाइन से, तो आपको पीछे तीन कैमरे सेटअप देखने को मिलेगा और एक LED फ्लैश देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट में दोस्तों वहीं पर फ्रंट में आपको बड़ी सी डिस्प्ले यू नॉच के साथ देखने को मिलती है। वहीं पर दोस्तों बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो आपको इसमें MediaTek का Dimensity 810 वाला 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है और साथ ही आपको 8GB रैम, 128GB की स्टोरेज देखने को मिलती है और साथ ही मेमोरी कार्ड डालकर आप 1TB तक बढ़ा सकते हैं। वहीं पर दोस्तों बात करें अगर इसके डिस्प्ले के बारे में, तो आपको इसमें 6.44 इंच का फुल LED प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। 90Hz का रिफ्रेश रेट होगा और डिस्प्ले में आपको यू नॉच का डिजाइन देखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए इसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी है, आपको उसमें ब्राइटनेस वगैरह काफी अच्छी देखने को मिलती है। मूवी अगर वॉच करते हैं तो आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर दोस्तों बात करें अगर इसके बैटरी के बारे में, तो आपको इसमें 4500mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिल जाती है। उसी को चार्ज करने के लिए आपको 44W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, तो काफी अच्छी बात है, आपकी बैटरी काफी जल्दी चार्ज हो जाएगी। और वहीं पर दोस्तों अगर बात करें इसके कैमरे सेटअप के बारे में, तो आपको इसमें तीन कैमरे सेटअप देखने को मिलेगा। इसका मेन सेंसर होगा 50MP का, 8MP का वाइड एंगल लेंस, 2MP का माइक्रो सेंसर देखने को मिलता है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें फ्रंट कैमरे के बारे में, फ्रंट में आपको 44MP कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। आप अगर इसमें वीडियो कॉलिंग या फिर शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो आपको इसमें कोई भी इशू देखने नहीं मिलेगा, आपके लिए काफी अच्छी चॉइस हो जाती है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें इसके सिक्योरिटी के बारे में, तो आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, साथ ही फेस अनलॉक को सपोर्ट करता है और आपको इसमें USB Type-C का सपोर्ट देखने को मिलेगा, साथ ही Android 11 पर रन करता है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो आपको इसकी प्राइस 25,000 रुपये के आसपास देखने को मिल सकती है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें इसके लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो आपको ये 21 फरवरी के अंदर लॉन्च हो जाएगा और 22 फरवरी को आपके हाथ में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था आपका स्मार्टफोन। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आगे भी इसे हेल्पफुल कॉन्टेंट देख लेंगे। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।